So wie mir die Schale wird. Es kann mir die Sansta, mir das aber in der Kurie in der Nähe, die mir die Kirche wird. Kommen die, die mir die Kirche wird. Chakri, National Student Ballet. लाल काली देख रहे पांच साल पूरे होने जा रहे हैं हरी काली पर नए चेहरे देख रहे मेरा इशारा उस ओर है कि देश में कुछ महीनों बाद चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव सदस्य जब चुनकर जाते हैं तो हरी काली पर चलते हैं और लाल काली पर चलने का अनुभव इस मंच पर बैठे मृदुभाषी सरल सहज स्नेही जिनकी एक छोटी सी मुस्कान से वो अपनी ओर आकर्षित कर ले ऐसे हमारे भाई अजय संचेती जी मुंबई से दमदार किरदार दमदार आवाज से धनी अपने किरदार से लोगों को चुंबकीय ताकत के साथ पर्दे पर बनाए रखने के लिए उस फिल्म को सुपरहिट बनाने का जिम्मा हर फिल्म के कंधों पर होता है ऐसे बमने अभिनेता और वो सीख जो सीख हर साल उन युवाओं को देने के लिए ये दो दिन की गोष्ठी संगोष्ठी आयोजित की जाती है जिसकी सोच जिनके नाम में विजन बियॉन्ड है ऐसे मंच पर आसी हमारे बड़े भाई सुनील राजसोनी जी और इस इवेंट को पूरा करने के लिए जो अथक प्रयास सबके होते हैं ऐसे तमाम हमारे शिक्षकगण और प्यारे साथी देवियों से ये दो दिन की जो संगोष्ठी है ये संगोष्ठी की सबसे बड़ी सोच ये है कि आपने वो भावनाएं पैदा हो जिसमें देशप्रेम हो और देशप्रेम एक लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग समझ कर ये कोशिश करें कि देश आपका अगला जो विश्वगुरु बनने का सपना वो आप लोग कैसे पूरा करें तो विचारों के इस मंथन में क्योंकि अभी भूपेंद्र जी नहीं आ सके आसमान में कोहरा बना है जो इन दिनों दिल्ली से रखकर बेंगलोर में कर्नाटक के नाटक को लेकर प्रकृति भी ये मान पड़ी है कि अगर अप्रैल मई की लड़ाई में कर्नाटक के नाटक में अगर किसी की फतेह होती है तो शायद उसका लाभ उसे ले सके मैं आप लोगों से पांच मिनट बात करूंगा लेकिन संकेत और संदेश के जरिए बात करूंगा क्योंकि सुबह के इन दिनों पाबंदियां लग जाने की बात कही जाती है लहू के कतरों से चुनकर स्याही अगर वक्त की बात आप न कहोगे तो वो और कौन होगा लबों से रिश्ती स्याही से चुनकर रक्त की बात आप न करोगे तो वो कौन होगा जुबान पे जो पाबंदियां लग गई जुबान पे जो पाबंदियां लग गई अगर वो तुम न होगे तो कौन और कहेगा कौन और कहेगा चूंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको पिछले पाँच सालों में छः सालों में क्या हुआ उसका एक ब्रीफ ऑफलाइन दूँ क्योंकि आप खुद अपने आप में इतने अच्छे वक्ता हैं तो पाँच सालों में बमन जी इस मंच की एक खासियत है मैं ये कहना चाहूँ कि इस मंच से जिस जिसने भी इस मंच को संबोधित किया है वो आज देश और प्रदेश में बड़े कद का नेता है उदाहरण के तौर पर सबसे पहला नाम चूंकि प्रदेश की बात करनी चाहिए बात प्रोटोकॉल की होती है तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री देवेंद्र फडणवीस वो भी चुनाव के पहले आकर इसी मंच से उन्होंने संबोधित किया था और इसी मंच के आशीर्वाद के साथ जब वो लौटे तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना ही नहीं इतना ही नहीं
तो जिन सड़कों पे चलकर आप कई बार मुंबई से पुणे जाते हैं और फक्र करते हैं कि भारत में भी ऐसी सड़कें हैं, और उस व्यक्ति का नाम जो सारे देश में सड़कों के चौपादरीकरण का काम कर रहे हैं, उसको नहीं आएंगे। ऐसे नितिन गडकरी भी 5 साल पहले इसी मंच पर आए और इसी मंच से आकर उन्होंने संबोधित किया, और आज वो देश के 5 बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार। तो ये मंच बड़ा शुभ है, और चूंकि जैसा मेरा पेशा है मित्रों, प्यारे दोस्तों, कुछ न कुछ खबर ऐसी देना जिसकी जानकारी आपको ना हो, तो मैं अगली खबर जो आपको देने जा रहा हूं वो खबर ये है कि कुछ ही दिनों बाद आपके सामने बैठा वो अभिनेता और किरदार खुद एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करने जा रहा है। मेरे ख्याल से यही से वो शुभ संकेत लेके इन बच्चों में आपको इसी मन से आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चूंकि बात राजनीति की हो रही है और संकेत और संदेश में मैंने कुछ कहने की बात आपसे कही थी, और वो कहने की बात यह है कि राजनीति में सबसे बड़ा दंड कब भोगना पड़ता है। राजनीति का सबसे बड़ा दंड वो होता है जिसमें आप हिस्सा नहीं लेते और अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करता है। तो यहां पर 2 दिन तक होने वाले तमाम चर्चा सत्रों में आपको विचार मंथन के जरिए ये समझना होगा, जानना होगा कि आखिर आपको क्या करना है। 100 डेज में आपको आपका भविष्य तय। जुबानी जंग बहुत तेज हो चुकी है, टूट अटूट गठबंधन महागठबंधन बुखार विकास पप्पू भजिए पकोड़े, इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखकर अगर वोट करें, आपको अगर इसमें लगता है कि आपका भविष्य कहीं छुपा है, तो आपको सोचना होगा। और तमाम नेताओं की जुबानी जहर जो है, जहर से जो जुबान उनके बातों से फिसलते चले जाते हैं, वो आपके जीवन पर कितना असर डालते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि शब्दों के संघर्ष को कभी ये ना समझिएगा कि वो आपका भविष्य कहेगा। आप जानते हैं कि लोक लुभावन वायदे चुनाव के पहले क्यों होते हैं, उसके पीछे की मंशा आप समझते हैं। उम्मीदों और सपनों को बेचना एक कारोबार, उसका आपके जीवन पर क्या असर होता है ये आप व्यक्तिगत तौर पे खुद समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझा सकता। और आज आप खुद अपने आप में एक इतने बड़े सैनिक हैं कि सोशल मीडिया के जरिए इन तमाम नेताओं को आप रोज की परीक्षा के कुंड में आप उनको परख सकते हैं। उनकी एक गलती आप सोशल मीडिया के जरिए उनसे जवाब पूछ सकते हैं। तो इस कोशिश को आप लगातार बरकरार रखिएगा, क्योंकि यही आपकी ताकत होगी और यही आपका भविष्य बनेगा। तो अंत में जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि शब्दों से संघर्ष करता दिखूं तो गुंडा मत समझना, शब्दों से संघर्ष करता दिखूं तो गुंडा मत समझना, सच का साथ देकर दिखूं तो पक्षपाती मत समझना। क्योंकि आवाज पे आपके शब्दों पे अगर पाबंदियां लग जाएंगी तो ये समझिए कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो जाते जाते आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बबन साहब को बोलना है, मैंने संकेत और संदेश के जरिए बहुत सारी बातें आपसे कह दी। समझना आपको है, समझदार आप हैं, और समझदार के साथ साथ आपके हाथ में एक हथियार लिए आप घूमते हैं जिसका नाम मोबाइल। तो उस हथियार का प्रयोग आप सकारात्मक रूप से कैसे करें जिससे देश मजबूत हो और आपका देश प्रेम भी दिखे, और आप किसी सोशल आर्मी के एक अनडिस्क्लोज कैरेक्टर ना हो, आप अपने व्यक्तित्व और अपने विकास के लिए उस हथियार का इस्तेमाल सही रूप में करें जिसे मोबाइल कहते हैं। इसी मंगल कामना के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये राष्ट्रीय छात्र संघ है, आप लोग खुल कर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस भारत मां जिसे हम देश प्रेम की बात करते हैं
वो आप प्रतीत करें कि आपका इस देश से प्रेम है, क्योंकि जितने मताधिकार का प्रयोग होगा देश का भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।